वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज आप लोग को मैं लेके जा रही हूँ बाहर वापस से वीकेंड आउटिंग पे। हम एस्पायर पार्क जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी और चिलिंग प्लेस है ये। छोटा सा बोट का एरिया भी है वहाँ पे और डक्स एंड फिशेस बहुत कुछ है बच्चों के लिए स्पेशली। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ और देखते हैं कैसा है वो सब कुछ। मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, हम लोग आ गए हैं अभी एस्पायर पार्क। चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा वेदर है अभी। इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम वो जो सनसेट होने वाला टाइम होता है ना, बस वैसे ही टाइम है। ये मेरा डिल्लू देखिए शुरू हो गया है भी। चलिए देखते हैं अंदर। ये है एस्पायर टावर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है नाइट में। और चलिए अब हम लोग अंदर जाते हैं। एंट्रेंस में यहाँ एस्पायर पार्क और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मुझे कुछ कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस दिखी। सनसेट का टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, 88 हेक्टर्स एरिया इसने कवर किया है। और ये एक ही पार्क है जहाँ पर लेक है कतर का। ये बहुत ही फेमस पार्क है जहाँ पर इन लोगों ने ऐसा छोटा सा लेक बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये पूरा एरिया क्योंकि यहाँ पे बोट्स चलती है अंदर भी। आगे जो है मैं आपको लेके चलूँगी जब मैं बोटिंग करूँगी। और फिशेस है, डक्स है, सो इट इज़ रियली रियली रिफ्रेशिंग। तो ये पार्क में और भी बहुत सारे फीचर्स है जैसे ब्यूटीफुल फाउंटेंस है एक ये यहाँ पे जो है वो, और एक आगे मैं आपको लेके चलूँगी वहाँ। और फिर एक छोटा सा हिल है यहाँ पे, कॉफ़ी शॉप है और बहुत कुछ है अंदर, प्ले एरिया बच्चों के लिए। स्माइली करो, स्माइली। और ये है मेरी फ्रेंड का क्यूट बेबी अली असगर। इंडीड ये प्लेस जो है वो फैमिली पिकनिक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं डक्स, फिश और फाउंटेंस को देख के। बोटिंग करने में अपना एक मज़ा है। और ये बोट राइड में वो लोग अलाउ करते हैं 4 लोगों को 30 मिनट्स के लिए 50 कतरी रियाल में। सो अच्छी है, इतनी भी ज़्यादा प्राइस ही नहीं है। आगे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है, इवन एक लॉस्ट किड्स का सेक्शन है क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है, बच्चे अगर खो जाए तो उनके लिए भी ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन। सो ये इस पार्क का मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, ये रेनबो फाउंटेन। और उसमें इस तरह से ये जो टावर दिखता है, ओ माय गॉड, बच्चे तो इतना ज़्यादा ये पानी में खेलते हैं, हम लोग भी बहुत खेले हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है स्पेशली सनसेट के टाइम पे। अब हम लोग आ गए हैं बोट राइड के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल सा मुझे बर्ड्स का सेक्शन दिखा है यहाँ पर। इतना अच्छे से उन लोगों ने बनाया है, पूरा मैन मेड। और ये टावर, ओ माय गॉड, छोटी सी बोट ली थी हमने 2 लोगों की पैडलिंग वाली, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अगर आप कतर में हो और आपने अभी तक एस्पायर पार्क नहीं देखा है तो ज़रूर ज़रूर आइए यहाँ पे। ये प्लेस बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, एंट्री फ्री है, हमेशा ओपन रहती है और आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी दोहा से। तो बाहर जाते हुए मुझे ये सब चीज़ें दिखी। देखिए एक्वाटिक सेंटर, फाउंटेन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस भी है तो कार को पार्क करने का भी इशू नहीं होता। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। था मेरा आज का ब्लॉग ऑन एस्पायर पार्क। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। Till I get up, time is barely on our side.